हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे सोया चिली ट्विस्ट विथ पनीर। सोया बॉईल करने के लिए इंग्रेडिएंट्स रहेंगे पानी, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा नमक और ड्राई सोया चंक्स। पानी 3 से 4 ग्लास पानी, उसको उबाल लीजिए। जैसे ही उबाल आ जाएगा उसमें थोड़ा 2 चम्मच तेल डालेंगे, 1 चम्मच नमक और सोया चंक्स। सोया जैसे उबल जाएगा उसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। अच्छी तरह से छानने के बाद उसे अच्छी तरह से ड्राई करेंगे, ताकि जब भी हम उसको मैरिनेट करेंगे उसमें कोई भी फ्लार चिपक के वो चिकना ना बन जाए। ओके, एंड नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी हमारी मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए 1 बाउल मैदा, 1 बाउल कॉर्नफ्लावर, 1 बाउल गाढ़ा दही, जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट, बॉइल्ड सोया और पनीर। इसमें जाएंगे मसाले। मसाले जो यूजुअली हमारे घर में होते हैं, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, ब्लैक पेपर, कसूरी मेथी, ये बेसिक जो होती है वो सारी चीज़ें हम एक साथ डाल के मसालों की तरह और अच्छी तरह से उसे मैरिनेट करेंगे। सोया चंक और पनीर दोनों को अलग-अलग मैरिनेट करना है और अलग-अलग फ्राई करना है, लेकिन जब बाद में हम उसको प्रोसेस बनाए करेंगे तो वो साथ में ही बनाएंगे, क्योंकि वो अलग फ्राई होके एक सेपरेट उसका टेक्सचर आ जाएगा। अब उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ब्राउनिश कलर में। पहले सोया फ्राई फ्राई कर लेंगे, फिर पनीर फ्राई कर लेंगे। ये दोनों भी अभी अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, वेरी गुड। अब हमारे सोया और पनीर दोनों भी अच्छी तरह से फ्राई होके रेडी है। अब हम बनाएंगे सोया पनीर चिली, जिसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा ऑयल, बारीक कटे हुए जिंजर गार्लिक, बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे मुझे इस बार स्प्रिंग ओनियन मुझे नहीं मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार स्प्रिंग ओनियन के बिना भी हम ट्राई करेंगे कि पनीर सोया चिली कैसे बनती है। अभी हम फटाफट रेसिपी स्टार्ट कर लेंगे। ऑयल तो जैसे गर्म हो जाता है उसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ प्याज, जिंजर गार्लिक डाल देंगे। थोड़ा सा ब्राउनिश होने के बाद उसमें हम डालेंगे रेड चिली, ग्रीन चिली। जैसे ही ये बनता है उसके एक अलग से खुशबू आती है। सो ये जैसे ही बनेगा उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, फिर डालेंगे नमक, फिर रह जाएंगे हमारे सॉसेस, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड टमाटो सॉस, पेपर, ब्लैक पेपर, टमाटो सॉस, और इसको अच्छे से सॉर्ट कर लेंगे। अगर हमें लग रहा है कि ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको स्मूथ पेस्ट की तरह बनाएंगे। अभी आप देख रहे हैं उसमें अच्छे से बॉईल हो चुका है ये। अब इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी। कॉर्नफ्लावर की स्लरी से वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और वो जितने भी हम लोगों ने फ्राई करके सोया पनीर रखे हैं वो सब में वो पूरा मिश्रण अच्छे से चिपक जाएगा और उसमें अलग से एक टेस्ट आ जाएगा।
वेरी गुड, मस्त लग रहा है ये अभी। नाइस, गैस थोड़ा कम करके, अगर ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो पानी डाल दीजिए। और इसमें अभी हमने जो पनीर और सोया बॉईल करके रखे हैं वो डालने से पहले कैप्सिकम और अनियन के बाया बड़े बड़े पीसेस करके उसको अच्छे से होने देंगे, उसको रॉ ही रखेंगे, ज़्यादा पकाएंगे नहीं। वेरी गुड। और इसके बाद डालेंगे सोया और पनीर। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और अभी ये मिक्स करके रेडी है। अभी इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। वेरी गुड, वाओ। अब इसको अच्छे एक अलग से बाउल में निकाल के रेडी फॉर सर्व, सोया पनीर चिली। इसमें हम अभी थोड़ा सा वाइट तिल डाल के अच्छे से गार्निश करेंगे। सो ये हो गया हमारा सोया पनीर चिली रेडी। ये तो वैसे स्टार्टर में जाएगा, लेकिन अगर इसको मेन कोर्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसका बनाएंगे सोया पनीर चिली रोल। ये रोल का डो है जो मैंने शुरुआत में ही बना के रख दिया था। इसमें मैंने लिया है 1 कप व्हीट फ्लार, 1 कप मैदा, आधा कप गाढ़ा दही और थोड़ा सा नमक। इसको मिक्स करके रखेंगे, अच्छे से नीड करके रखेंगे और पूरे अच्छी तरह से नीड हो जाने के बाद उसमें ऑयल लगा के छोड़ देंगे, रख देंगे। अभी मैं उसको फाइनल प्रोसेस के लिए नीड करके कर रही हूँ। तो वो अभी हम मैं इसका इसके रोटियाँ बनाएंगे, रोल बनाएंगे। इसको इक्वल शेप में बना के इसकी रोटियां बेल लेंगे। इसमें मैंने एक थोड़ा सा और एक ट्विस्ट ऐड किया है। ये जो रोटी मैंने बनाई है इसका मैं लच्छा पराठा बना रही हूँ। और ये लच्छा पराठा बनाने के लिए इसमें अंदर जो हम लोग स्टफिंग डालते हैं कुछ भी, तो उसमें मैंने यूज़ किया है ग्रीन हर्ब्स, हर्बल हर्ब्स अपने यूज़ किए हैं जो इटालियन एक थोड़े से फ्लेवर्स देंगे। सो वो मैंने यूज़ किया है। अब अभी हमारी रोटी रेडी है, उसमें हम लगाएंगे मेयोनीज। ये मैंने उसी रेसिपी से बनाया है जो केतकी कुकिंग में अभी आपने देखी होगी, मेयोनीज की रेसिपी उसी का मैंने क्लासिक मेयोनीज घर पे बनाया है। और ये है सॉस, इसमें हम रखेंगे अभी सोया पनीर चिली। ये मैं उसको स्टफ कर रही हूँ अंदर। इसमें थोड़ा सा डालेंगे प्याज, प्याज डालेंगे, थोड़ा सा मेयोनीज ऊपर से डाल सकते हैं हम, मैं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, घर का बनाया हुआ है एगलेस, सो मैं वो यूज़ कर सकती हूँ। एंड सबसे बेहतरीन चीज़, चीज़ ऑल टाइम फेवरेट सबका। सो ये बन गया हमारा सोया पनीर चिली चीज़ी रोल। अभी आप देख सकते हैं इतना टेस्टी बना हुआ है ये चीज़ी रोल। विद इन मतलब ऐसे पलक नहीं झपकेंगे और ये ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज़ माई रेसिपी, सोया पनीर चिली चीज़ी विथ चीज़ी रोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।